लोकसभा चुनाव में बसपा की करारी हार का असर दिखने लगा है। बहन मायावती ने लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली से आगरा अलीगढ़ मंडल का चार्ज छीन लिया है। उनकी जगह नौशाद अली को आगरा जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आगरा और अलीगढ़ मंडल में बसपा का जनाधार बेहद ही मजबूत है, लेकिन वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव से बसपा का जो किला दरकना शुरू हुआ था वह 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह टहता हुआ नजर आया। बसपा की हालत ये रही कि पार्टी अंबेडकर नगरी आगरा की दोनों लोकसभा सीटों पर अपनी जमानत तक गंवा बैठी। वहीं मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, हाथरस में भी पार्टी की स्थिति कमोवेश ऐसी हो रही। पार्टी हर जगह दूसरे से तीसरे और चौथे स्थान पर खिसक गई। जिस बसपा को वर्ष 2019 में 19% से अधिक वोट मिले थे वह बसपा समूचे प्रदेश में मात्र 9.39% मतों तक ही सीमित रह गई। आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर बसपा के उम्मीदवार एक भी विधानसभा सीट पर दूसरा स्थान तक हासिल नहीं कर पाए। आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर बसपा के मत इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों से बेहद ही कम रहे। आगरा लोकसभा सीट पर भाजपा, सपा और बसपा प्रत्याशियों को मिले मत इस प्रकार से हैं। आगरा में भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को 5,99,397 मत मिले, जबकि इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेश चंद कर्दम को 3,28,303 मत मिले। वहीं बसपा की पूजा अमरोही जाटव मात्र 1,76,474 मतों तक ही सीमित रह गयी। वहीं फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं। भाजपा के राजकुमार चाहर ने 4,45,657 मत फतेहपुर सीकरी में हासिल किए। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस के रामनाथ सिकरवार ने 4,02,252 मत पाकर भाजपा प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन बसपा के रामनिवास शर्मा महज 1,20,539 मत ही प्राप्त कर सके और अपनी जमानत भी पूरी तरह गंवा बैठे। आगरा लोकसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी को गत लोकसभा चुनाव में 4,35,000 मत मिले थे। वहीं सीकरी सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित को 1,68,000 मत मिले थे। बहन जी और आकाश आनंद की अपील भी नहीं आई काम। आगरा में आकाश आनंद और बहन जी ने जनसभा को संबोधित किया था, लेकिन उनकी अपील का असर भी बसपा के कोर वोटर्स पर नहीं दिखा। वे राहुल और अखिलेश के संविधान बचाओ के नारे की रौ में बहते हुए नजर आए, जिससे बसपा के हालात बेहद खराब हुए और पार्टी प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। प्रत्याशियों का चयन सही नहीं, बसपा की सोशल इंजीनियरिंग पर अखिलेश और राहुल का पीडीए का नारा भारी पड़ा है। वे बहनजी पर बिना हमला किए ही बसपा के कोर वोटर्स को ये समझाने में कामयाब हो गए कि भाजपा के मुकाबले पीडीए पूरी ताकत से लड़ रहा है। वहीं बसपा के प्रत्याशी चयन ने भी पार्टी की लुटिया डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बसपा कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है, लेकिन पार्टी के तमाम पदाधिकारी चुनाव प्रचार में नजर ही नहीं आए, जिससे बसपा के कोर वोटर्स की मनोस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बसपा के प्रत्याशी अकेले ही चुनावी समर में लड़ते नजर आए। अब क्या है बहन जी के पास विकल्प? लोकसभा चुनाव में बसपा का वोट बैंक पूरी तरह बिखरा हुआ नजर आया। जिन विधानसभा सीटों को बसपा कभी न कभी जीत चुकी है, उन विधानसभा सीटों पर पार्टी की बेहद ही खराब स्थिति बसपा के लिए बेहद ही निराशाजनक परिणाम लेकर आई। पार्टी अब आत्मचिंतन की राह पर उतर रही है। बहन जी ने आगरा जोन के सबसे बड़े नेता को हटाकर संगठन के रिव्यू का संकेत भी दे दिया है। विजय बघेल, सी न्यूज, आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।